हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलिप्स बनाने के लिए वेरियस मेथड्स का उपयोग करेंगे। उसमें हम जनरली देखते हैं कि दो प्रकार की मेथड्स होती हैं। उसमें हम पहली मेथड लेंगे जनरल मेथड, दूसरी मेथड होती है हमारे पास रेक्टेंगल मेथड। हम पहले हम इनिशियल बात करते हैं जनरल मेथड की। ठीक है, जनरल मेथड में हमें एक्स दिया गया होता है कि हमें ई का मान दिया होता है इक्वल टू, जैसे कि 2/3 तथा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी इक्वल टू 50 mm। हमें जनरली ये प्रश्न में दिया होता है। हम जनरली जनरल मेथड का उपयोग करते हैं। हमें ई का मान तथा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी हमें दी होती है। अब इसका उपयोग करते हुए हमें एलिप्स की रचना करनी होती है। इसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं एक एक्सिस। ठीक है, एक्सिस बनाते हैं। इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। देन इसके बाद हम बनाते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। लेट अस वी टेल देम नेम ए बी एंड सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फोकस की दूरी दी गई है कितनी, 50 mm। ये हमारा क्या है, फोकस 50 mm। यहाँ से माना कि ये हमारा फोकस हो गया। अब हमें इलिप्स की बनाने के लिए ई इक्वल टू हमारे पास होता है फार्मूला VF/VC। यहाँ पर हमें VF/VC इतना दिया गया है। ठीक है, इसके लिए हमें VF/VC 2/3 दिया गया है। हम इसका उपयोग करते हुए एलिप्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम जब इन दोनों को ऐड करते हैं, VF+VC दैट इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास 5। ये हमें शो करता है कि हमें C से F को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो जितने पार्ट हमें यहाँ ऐड करने पे मिल रहे हैं, हम उतने ही पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने पर के लिए हमें क्या करेंगे, ये हमारा 50 mm है, हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 है। 50 है तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम E=VF/VC पे चलते हैं। ठीक है, E=VF/VC हमें क्या शो कर रहा है, VF, V to F कितने पार्ट है हमारे पास, 2। V to C कितने पार्ट है, 3। दैट मीन्स F से हम V की तरफ चलेंगे, 2 पार्ट। हमारा ये F यहाँ पर है, यहाँ से हम V की तरफ चलेंगे और यहाँ पर एक V रख देंगे, ये अपना 2 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार वी से सी कितने पार्ट में है हमारे पास, 3 पार्ट में, ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद हम ऐसा करेंगे, वी पर एक ए बी के समानांतर लाइन बनाएंगे या फिर यहाँ पर 90 डिग्री भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। ये माना कि हमारा प्रकार ले लिया हमने। प्रकार लेने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे प्रकार में, वी से एफ तक की दूरी लिया हमने प्रकार में। वी से एफ तक की दूरी लेने के बाद माना कि हमने वी से एफ तक की दूरी ले लिया, प्रकार के पॉइंट को हम वी पर रखेंगे और इस प्रकार से हम एक कट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, कितनी दूरी ली हमने, वी से एफ तक की दूरी लिया, कट यहाँ लगा दिया। इसके बाद हम करेंगे, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई और यहाँ से हम सीधा एक लाइन बनाते हुए वी से मिलती हुई, जाने माना कि हमारा कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो हम ये सीधी लाइन बना देंगे। ठीक है,
उसके बाद वी के बाद हमारे पास जो बची हुई एक्सिस है, माना कि हमारे यहाँ तक एक्सिस बची है, तो हम इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। माना कि ये जितनी भी दूरी हम प्रकार में ले लेंगे, इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते चलें। ठीक है, अब हर पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे ए बी के पैरेलल। इस ए बी लाइन के पैरेलल हम इस हर पॉइंट से लाइन बनाएंगे। ठीक, ये अपने लगभग यहाँ से जाएगी, इसी प्रकार हमारी लाइन 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 यहाँ से जाएगी। ठीक है, इसे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये चलती जाएगी हमारी जब तक कि अपना एलिप्स कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारी ये लाइन छोटी है तो इसको और बढ़ा देंगे हम आगे। ठीक है, उसी प्रकार हम अगले पॉइंट पे जाते हुए 7 8 9 10 चलते जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम हमारा यहाँ पर क्या था, एफ, यहाँ पर एफ था हमारा फोकस। हम फर्स्ट वाले में यहाँ 1 दिया है, यहाँ 1 डेज दे देंगे, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 डेज, 3 दिया है, यहाँ 3 डेज, यहाँ 4 है तो 4 डेज, उसी प्रकार 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज देते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रकार में क्या करेंगे, 1 से 1 डेज की दूरी लेंगे। क्या करना है दोस्तों, 1 से 1 डेज की दूरी लेंगे हम, फर्स्ट वाली लाइन 1 से 1 डेज की दूरी लेंगे, इसको हम फोकस पे रखेंगे, इस वाली लाइन को हम ऊपर तथा नीचे काटेंगे। ठीक है, ऊपर तथा नीचे काटेंगे, दोनों साइड काट लिया। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 डेज की दूरी लेंगे। ठीक है, फिर फोकस पे रखेंगे तो ये लाइन लगभग यहीं कहीं कटेगी, इसी प्रकार ये नीचे भी काट देंगे। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, 3 से 3 डेज की दूरी लेंगे, फिर इसको हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर। हर बार हमें ध्यान रखना है कि इसको फोकस पे ही रखना है। ठीक है, फोकस पे रखने के बाद उसी प्रकार यहाँ पर भी काट दिया है नीचे की साइड पर। ठीक है, अगर हमारी लाइन माना कि यहाँ पर नीचे कट रही थी, ये मिल नहीं रहा, हमने इसको मिला दिया। इसी प्रकार जैसे ये यहाँ कटा, सेकंड में यहाँ कटा, थर्ड यहाँ कटा, फोर यहाँ कटा, सिक्स, ऐसे काटते चलेंगे। एक केस आएगा यहाँ पर आकर कटेगा, उसी प्रकार इधर से भी काटते हुए चलेंगे। एक केस क्या आएगा हमारा, इसी लाइन पर कट जाएगा। ठीक है, हमारे ये पॉइंट कटते हुए ऐसे चले जाएंगे। अब क्या करना है हमें, हर पॉइंट को हमें काटना कहाँ से, सबसे पहले देख लेते हैं। 1 से 1 डेज की दूरी लेंगे, 1 से 1 डेज की दूरी लेंगे, फोकस पे रखेंगे, 1 1 डेज को ऊपर नीचे काटें। उसी प्रकार 2 से 2 डेज की दूरी लेंगे, फिर फोकस पे रखें, 2 और 2 डेज वाली लाइन को ऊपर नीचे काटें। 3 से 3 डेज की दूरी लेंगे, फिर फोकस पे, फिर उसी लाइन को ऊपर और नीचे काटें। इस प्रकार से हम ये काटते चलेंगे तो एक प्रकार से हमें ऐसा दिखेगा, ये एलिप्स दीर्घवृत्त जैसी हमें रचना मिल जाएगी। अब क्या करना है हमें, वी से इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए एक कर्व बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस कर्व बनाएंगे। ये क्या है अपना रिक्वायर्ड इलिप्स बन जाएगा। अब नेमिंग कर लेंगे, यहाँ हमारा P1 हो जाएगा, यहाँ P है तो यहाँ P2 हो जाएगा, यहाँ P3 हो जाएगा, P4, P5, P6, P7, P8, इस प्रकार नाम देते चलेंगे पूरे सर्कल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप देखिए, देन इफ एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू विल आस्क। ठीक है, हमें बस इसमें ध्यान रखना है, ई का मान दिया था, हमें ये मेथड फॉलो करना है। ठीक है, अब रेक्टेंगल वाली मेथड में हम अगले वीडियो में बताऊँगा, रेक्टेंगल वाली मेथड से हम कैसे एलिप्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमें 2 हमेशा दिया रहेगा, 2/3 फोकस, फोकस हमेशा प्रश्न में रहता है और ई का मान हमेशा दिया होता है। ई इक्वल टू होता है VF/VC, इसको हमें ध्यान में रखते हुए हम पूरा एलिप्स बना देंगे। इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस है, इसको फोकस, इस वी को हम बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, ये लाइन हमें ध्यान रखना है, बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना है, इसको यहाँ पर इस लाइन को कहीं काट